तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हमारी कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि टैली सॉफ्टवेयर या फिर अदरवाइज कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में और बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल काउंट का बैलेंस हम देखते हैं तो ये कैपिटल काउंट का नेट बैलेंस और हमारी जो सीए की ऑडिट रिपोर्ट होती है उस ऑडिट रिपोर्ट में जो कैपिटल काउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है इसका हम हमारे कंप्यूटराइज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ किस तरीके से मिलान करें। दोस्तों अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर जो कैपिटल काउंट का बैलेंस आ रहा है वो यानी कि 63,70,017.75 रुपये का आ रहा है और यही बैलेंस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि 52,55,595.86 रुपये का आ रहा है। तो दोस्तों एंट्रियाँ सारी कंप्लीट हुई है लेकिन फिर भी ये हमारा जो बैलेंस है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सीए की ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैच नहीं हो रहा। तो हमें कौन कौन सी टैली सॉफ्टवेयर में एंट्रियाँ हमें करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी ये जो हमें अदरवाइज जो एंट्रीज हमें शो हो रही है ये सारी की सारी एंट्री यहाँ से रिमूव होके पर्टिकुलर एक नेट अमाउंट हमें यहाँ पर शो करे जो इस ऑडिट रिपोर्ट में शो हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देख लेना अगर आप टैली को और अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग और टैक्सेशन की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको हम देखेंगे। अब ऑडिट रिपोर्ट है जो हमारी सीए से सर्टिफाइड हुई है उसमें ये जो हमारा नेट क्लोजिंग बैलेंस है वो इस तरीके से आया और आया कैसे उसका हम कैपिटल काउंट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमने कैपिटल काउंट हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इस कैपिटल काउंट में कुछ ओपनिंग बैलेंस भी है, उसके बाद में जो इस साल के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो भी ऐड हुआ है और उसके बाद में जो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट जो मिला है कैपिटल अकाउंट को उसको भी इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है और उसके बाद में जो खुद कैपिटल कुछ जो है ड्राइंग्स है, LIC है, इंश्योरेंस वगैरह है, एडवांस इनकम टैक्स है या फिर ट्यूशन फीस की जो एंट्री है वो सारी करी हुई है। तो इस तरीके से टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस है, नेट प्रॉफिट है, उसमें से टोटल जो पर्सनली एक्सपेंसेस है वो सारे लेस करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस इस तरीके से बचा हुआ है और यही क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया। तो हम इस तरीके से अगर हम यही चाहते हैं भी हमारे टैली सॉफ्टवेयर में भी ये नेट बैलेंस एक ही अमाउंट के साथ शो और ये अदर एंट्री जो हमने कर रखी है यहाँ पे एडवांस टैक्स है, ड्राइंग्स के, ये सारी की सारी एंट्री हमें यहाँ पर इस बैलेंस शीट में हमारे टैली सॉफ्टवेयर में ना शो हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम जो ट्रांजेक्शन हमने करके रखी है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो ट्रांजेक्शन एंट्री है जैसे कि हम पूरे साल में जो ड्राइंग्स एंट्री होती है, LIC जो कराई हुई है कैपिटल काउंट की, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस है, एडवांस इनकम टैक्स जमा कराया हुआ है, इनकम टैक्स जो हमारा एक्चुअल में बनता है वो जमा कराया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस है, ट्यूशन फीस है, उसके बाद में ये जो हमारा इनकम आई है नेट प्रॉफिट से। तो दोस्तों इस तरीके की एंट्री है जो पूरे साल में हमारी चलती है। उसके बाद में कुछ रिवर्स एंट्री हमें करनी पड़ती है कैपिटल काउंट के लिए। तो हम कैपिटल काउंट में देखेंगे, तो कैपिटल काउंट के लिए हम बैलेंस शीट पे जाएंगे और बैलेंस शीट पे जाने के बाद में और इसको LTF डिटेल के साथ अगर ओपन करेंगे तो इसमें जो कैपिटल काउंट का एक अमाउंट हमें यहाँ पर शो हो रही है 61,45,342.92 रुपये। तो दोस्तों ये जो पैसा है ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो बैलेंस आ रहा है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो 61,45,342.92 रुपये और बाकी सारी जो एंट्री है उसके हमें जर्नल एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम आएंगे वापस वाउचर पे और वाउचर पे आने के बाद हम करेंगे F7 जर्नल वाउचर। तो दोस्तों ये सारी एंट्री हम 31 मार्च को हम करते हैं और उसके बाद में जो जो बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट और जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। तो कैसे पता चलेगा वो भी हम देख लेते हैं। एक बार हम बैलेंस शीट में जाएंगे और जो आपको यहाँ पर माइनस में जो शो हो रही है जो एंट्री है इसका मतलब ये सारा का सारा डेबिट बैलेंस है। इसे हम इन सभी एंट्री को करेंगे क्रेडिट और हम कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट और जिसके
माइनस का निशान, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस 816 रुपए के आगे माइनस का निशान नहीं है, तो हम इसको करेंगे डेबिट और कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो ये सारी एंट्री रिवर्स करेंगे और उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट हमें हुआ है उस नेट प्रॉफिट को भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम एंट्रियाँ करते हैं, इसके लिए वाउचर पर जाएंगे, जनरल वाउचर पर। तो दोस्तों हम सीरीज वाइज चलेंगे, सबसे पहले हम ड्राइंग्स पे चलेंगे। अगर आपको बैलेंस का नहीं पता है तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ड्राइंग से लिखे, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है आपको यहां पर भी साथ के साथ शो कर देगा। तो अभी ये जो डेबिट बैलेंस आ रहा है हम इसको तो करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट करने के लिए हम सबसे पहले कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आपको अमाउंट अगर आपको नहीं पता चल रही तो एक बार अमाउंट यहां पर आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि 414,736.92, ठीक है। अब एंट्री करोगे तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। अब आपको बैक स्पेस के साथ इस लेजर पे आ जाना है और लेजर पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अमाउंट आपकी एज इट इज रह जाएगी और टू के अंदर आप ड्राइंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ड्राइंग को करोगे तो यहाँ पे इस ड्राइंग का बैलेंस जो जीरो हो जाएगा और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी एंट्री है एक बार हम हमारे इस कैपिटल अकाउंट से देख लेते हैं। और उसके बाद में LIC का बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। LIC की जो अमाउंट है वो 82,740.34 रुपये। और उसके बाद हम LIC को क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस है तो कैपिटल को हम डेबिट करेंगे अमाउंट से 26,795 रुपये से। और हेल्थ इंश्योरेंस ये सारे के सारे कैपिटल के जो पर्सनली खर्चे हैं, इसलिए हम इनको कैपिटल अकाउंट में रखा हुआ है। तो उसके बाद में सुमित कुमार और एडवांस टैक्स के अमाउंट 1,10,000 रुपये है। और उसके बाद एडवांस टैक्स, और उसके बाद में इनकम टैक्स का लेजर 1,99,600। और इनकम टैक्स को सिलेक्ट क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस 21,261 रुपये का, और टर्म इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद में ट्यूशन फीस 35,430 रुपये, और ट्यूशन फीस को हम करेंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से जो लेजर हमारे यहाँ पे डेबिट थे उन सभी को हमने क्रेडिट किया है और कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। अब इस साइड की अगर बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट है वो अब डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट है जो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी यहां पे देख रहे हो इसका जो बैलेंस है वो CR में आ रहा है, तो जैसे हम एंट्री कर देंगे तो ये बैलेंस है जो जीरो हो जाएगा। तो 422.09 तो डेबिट करते हैं बैलेंस जीरो। और अब हम कैपिटल अकाउंट को यहां से करेंगे क्रेडिट। और उसके बाद में यहां पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, इसको भी हम इंटरेस्ट अकाउंट यानी कि सेविंग का इंटरेस्ट है 816 रुपये, इसको हम डेबिट करेंगे। और अब कैपिटल अकाउंट को यहाँ से क्रेडिट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी जो भी हमारी कैपिटल अकाउंट की एंट्री हैं हमने जर्नल वाउचर में जाके रिवर्स एंट्रियाँ कर दी है। और अब हम जाके देखते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट Alt+F1 के साथ प्रेस करेंगे तो अब देखते हो जो भी एंट्री अमाउंट हमें यहाँ पर जो शो हो रही थी अब वो सारी की सारी एंट्री यहाँ से अब हट चुकी है, क्योंकि वो सारा का सारा जो जितना भी बैलेंस आ रहा था वो सारा इस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है, इस सुमित कुमार के कैपिटल अकाउंट में। अगर अब हम इसका जो बैलेंस देखें हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पर देख रहे हो इसमें 63,70,017.75 रुपये का बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 63,70,017.75 रुपये का। तो इस तरीके से ही हमें कैपिटल अकाउंट में अब नेट अमाउंट ही शो हो रही है सारी रिवर्स एंट्री करने के बाद में। तो पहले जो हमारे पास अलग अलग जो लेजर आ रहे थे सारे के लेजर हमने रिवर्स कर दिए। ये एंट्री हमें 31 मार्च को ही एंड पे करनी होती है, अदरवाइज हम इसका जब बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो इनका सारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में आ जाएगा। तो आपको ये नेक्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ड्राइंग्स का बैलेंस जो इस साल की जो ड्राइंग है वो भी आपको ओपनिंग में शो होती रहेगी। तो आप नेक्स्ट ईयर में कन्फ्यूज हो जाओगे भी ये जो ड्राइंग्स की एंट्री है ये तो मैंने करी नहीं है, फिर भी इसका इतना बैलेंस शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर के इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया है। तो दोस्तों ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना कंपलसरी है, जिससे कि आपका जो कैपिटल का जो नेट बैलेंस है वो एक अमाउंट के साथ ही यहाँ पर शो होगा।
तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।